हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेश तिवारी वेलकम करता हूं आपके अपने इस फेवरेट चैनल में जिसका नाम है शिक्षा एकेडमी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, क्योंकि अब आपके ब्रेन से आउट होने वाले हैं सारे डाउट्स। जी हां दोस्तों, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते थे जो एरर्स, वो अब हम उन पर कमांड हासिल करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको ऑल द बेस्ट की जगह कंग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ। अगले कुछ मिनट्स के अंदर जितना कॉन्फिडेंस मुझे है, वो उतना कॉन्फिडेंस आप तक पहुँच चुका होगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप जुड़े रहे और यदि आपने यह वीडियो पूरा देखा, तो आप भी कहेंगे कि हाँ, बहुत हद तक या 100% आपके डाउट्स दूर हो चुके हैं। तो मैं आपको अभी कुछ मिनट्स के बाद बताऊंगा कि हमारे क्या कंटेंट है। मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे एम, हमारे टारगेट, हमारे विजन, हमारे टास्क या हमारी हॉबीज़ हैं कि हमें ये चीज़ें पढ़नी हैं, और इन पर एक एक करके हम अटैक करेंगे। और मैं उनको अपने अंदाज में, ट्रिक्स के साथ, ना तो मैं आपको रटवाऊंगा, ना मैं समझाऊंगा, बल्कि मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा। तो हो जाइए तैयार मिलने के लिए उन चीज़ों को, जिनके बिना कोई भी एग्ज़ाम पास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, और आइए चलते हैं उन कंटेंट्स की ओर जो बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करते हैं। अब हम उनको डिस्टर्ब करेंगे अपने अंदाज में। और यदि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से भी हैं, और यदि आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, तो निश्चिंत रहिए। ऑल्सो आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम एंड आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम। एग्जैक्टली, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन जब मैंने अपने तरीके से इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि यह बिल्कुल सरल है। तो मैं वही तरीके आपसे शेयर करने वाला हूं शिक्षा एकेडमी के इस चैनल पे। मैं महेश तिवारी वेलकम करता हूं। यस, तो मैं आपसे कह रहा हूं कंटेंट के बारे में। जी हां, आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है इंग्लिश। यही वो लैंग्वेज है, यही वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूज करती थी। इसीलिए कहूंगा क्योंकि आप जुड़ चुके हैं ऐसी जगह पर जहां आपके सारे डाउट्स होने वाले हैं आउट। जी हां, अब इसमें है कंटेंट, TEN 10। यहां पर 10 की स्पेलिंग छिपी है, 10 मतलब होता है 10, तो बस। और कंटेंट्स, तो ये जो कंटेंट्स हैं, हमें ये बताते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मतलब हमारे जो एम है, हमारे जो टारगेट्स हैं, हम उन पर चलेंगे। इसमें पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, मूवी का सीडी का पार्ट होता है। तो हमें यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका मतलब होगा शब्द भेद। एक इंग्लिश की अगर बात करें, आप मुझे जो सुन रहे हैं, दरअसल आप मेरे वर्ड सुन रहे हैं, आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, और मेरे जो शब्द हैं वो मिलकर बने हैं लेटर से, मीन्स अक्षर से। जी हाँ, तो हम वर्ड्स के, मतलब शब्दों के कितने भेद होते हैं इंग्लिश में, उनको सुनेंगे। वैसे जनरली 7 होते हैं, लेकिन अगर इंटरजेक्शन को जोड़ दिया जाए तो टोटल 10 हो जाते हैं। आप अभी कुछ देर बाद या अगले वीडियो में आप जानेंगे कैसे इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हमेशा के लिए अपना बनाएं। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एक पेन है, मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स केवल पेन या आपके हाथ में जो सेल फोन है उसको लेकर समझाऊंगा, और 10 मिनट के अंदर उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए एक लाइट तरीके से या एक मीडियम तरीके से स्ट्रांगली वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, और आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे डाउट्स हो जाएंगे छूमंतर। इसके बाद सेकेंड है आर्टिकल। जी हाँ, आर्टिकल, इसको हम लोकल लैंग्वेज में, वर्नाकुलर स्टाइल में कह सकते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल करना, हमें आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल वैसे तो 3 होते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ए एंड द। जी हाँ, और चौथा पॉइंट है इसका जीरो आर्टिकल, जहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं होता। अब आप ए के बारे में, एन के बारे में, और द के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे आते हैं, कैसे हम गलती करते हैं, कैसे हमें स्पॉट एरर सॉल्व करने हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं अपनी ट्रिक के द्वारा ये बताऊंगा कि ए एंड द आते कहाँ हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे उनके एक्सेप्शनल हैं, मतलब अपवाद हैं जो एक दूसरे के रूल्स को कहीं कहीं तोड़ सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जीरो आर्टिकल मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ऐसी कौन सी कंडीशन है। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप सॉल्व करके कमेंट में उनके आंसर निकालेंगे, और फिर मैं आपको पिछले कुछ सालों में जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आर्टिकल को लेकर आए हैं, हम उनको सेलेक्ट करेंगे, उनको आपको सॉल्व करवाएंगे, और वो सारे डाउट्स आपसे दूर करवाएंगे जो जनरली अच्छे अच्छे स्टूडेंट चूक जाते हैं, वो आप नहीं चूकेंगे। फिर है टेंस। जी हाँ, अब टेंस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, TEN 10, 10 और ये वस। तो टेंस ऐसी चीज है जिनके बिना ना तो स्पीकिंग पॉसिबल है और ना ही ग्रामर। हर एग्जाम में स्पॉट एरर, नो एरर, इस ऐसे आते ही आते हैं। तो आपको जानते होंगे देयर आर 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, ये प्रेजेंट है,
आप मुझे नहीं जानते थे, मींस मैं आपके लिए कुछ भी नहीं था, या आप अपने घर पर थे, ये पास्ट है, और आप मुझे जानेंगे, मैं कंटेंस फिनिश करूंगा, फ्यूचर है, मतलब जो अभी की बात है वो प्रेजेंट, जो इसके पहले की बात है वो पास्ट, और जो आगे की बात है वो फ्यूचर। उदाहरण के लिए जब कोई आप सीरियल देखते हैं, हालांकि आजकल सीरियल का क्रेज खत्म हो चुका है, फिर भी तो वहां बताते हैं कि पिछले धारावाहिक में आपने देखा, मतलब पिछली कड़ी में आपने क्या देखा, वो पास्ट है। आज आप देखोगे क्या जानोगे, वो फ्यूचर है, और अभी क्या चल रहा है वो आपका प्रेजेंट है। मींस आपका जो बचपन पास्ट और बचपन फ्यूचर, और आप जो जवान हैं अभी आप हैं, ये आपका प्रेजेंट। तो मैं आपको प्रेजेंट के तीनों टेंस की चार कंडीशन, मतलब प्रेजेंट में और पास्ट में सिंपल भी आएगा, सिंपल के अलावा मतलब आपको उसको इंडेफिनिट भी बोल सकते हो। सेकंड है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस को आप प्रोग्रेसिव, मतलब मेरा वीडियो प्रोग्रेस कर रहा है, आप मुझे सुन रहे हैं, कंटिन्यू है, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं, आप मुझे कंटिन्यू सुन रहे हैं। और फिर है परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स आपने सही चैनल को चुन लिया है, आपके डाउट्स दूर हो चुके हैं, परफेक्ट है। और इसके बाद में आप मुझे 15 मिनट से सुनते आ रहे हैं, आप इन 15 मिनट में या 5 मिनट्स में आपने मुझे थोड़ा तो सुन लिया, मतलब परफेक्ट। और अभी आप और सुन रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। आपने स्कूल में एक एप्लीकेशन की लाइन सुनी होगी या लिखी होगी, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मीन्स मुझे कल रात से बुखार चढ़ता आ रहा है, अभी कल रात से अब तक चढ़ रहा है, मीन्स थोड़ा तो चढ़ चुका है, यानी कि परफेक्ट है, और अभी भी चढ़ा है, मतलब कंटिन्यूअस है, जी हाँ प्रोग्रेसिव है। तो परफेक्ट भी हो और जो कंटिन्यू हो, यही चारों बातें आती हैं प्रेजेंट में, यही फोर पॉइंट्स आते हैं पास्ट में, और यही आएंगे फ्यूचर में। बस फर्क है था और ग, आप हैं, थे और होंगे, इन तीन शब्दों का खेल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉइस। जनरली स्कूल में ऐसा कहा जाता था टेंस के बारे में कि टेंस हमें कंफ्यूज करते हैं, टेंस हम भूल जाते हैं, लेकिन आपके मैं इस थिंकिंग को निकालूंगा। फिर आता है, चूंकि मैंने बताया वॉइस, तो पैसिव वॉइस में क्या कैटेगरीज हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सारे एग्जाम को हम सॉल्व करेंगे, यहां तक कि यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम में जो कुछ भी आया हो मैं आपको वो बताऊंगा। तो वॉइस में जनरली आप इसको ऐसा कह सकते हो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दो वॉइस होते हैं। देखिए आप वीडियो सुन रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, काम मैं कर रहा हूं, तो ये एक्टिव है, और काम हो रहा है ये पैसिव है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स, सारे टोटल जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, टीचर्स हैं, इन सब की जो बातें होती हैं, जो लेक्चर होते हैं, इनमें सबसे अधिक पैसिव वॉइस का यूज होता है। अगर आप कोई भी मूवी देखें, चाहे वो LOC कारगिल क्यों ना हो, तो वहाँ पे आपने सुने होंगे इंग्लिश में कि हमें ऑर्डर मिला है ये चौकी या ये पॉइंट ना छोड़ने का, तो हमें ऑर्डर मिला है, तो हमने ऑर्डर नहीं दिया, हमें ऑर्डर मिला है, आपने वीडियो चुना है, एक्टिव है, आपको पढ़ाया जा रहा है, ये पैसिव है, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, एक्टिव है, लेकिन आपको पढ़ाया जा रहा है, ये पैसिव है, जी हाँ। तो जैसे कि आपने सुना होगा नेताओं के लेक्चर में कि बच्चों का विकास होना चाहिए, सड़क की मरम्मत हो जानी चाहिए, कर्ज माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या हो गया है या करेंगे, तो करेंगे तो एक्टिव है, हो गया है, सफाई चल रही है, कमरा साफ हो गया, कपड़े धुल गए, खाना बन गया, सब्सक्राइब हो गया, ठीक है, मेरे द्वारा वीडियो देखा गया, मतलब जहां काम किसी और के द्वारा हो वो पैसिव वॉइस है, और जहां काम आप खुद करें वो एक्टिव वॉइस है। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा पैसिव वॉइस के बारे में जो शायद अब तक आप ना जानते हो, मतलब मैं आपको पैसिव वॉइस के टॉप सीक्रेट से मिलवाऊंगा, और आप हमेशा के लिए उनके हो जाएंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं, तो बस जुड़े रहिए। इसके बाद हमारे कंटेंट का नेक्स्ट पॉइंट है नैरेशन। जी हाँ, बिना नैरेशन के तो कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता। अरे भाई, अगर आपको नैरेशन क्लियर करना है ना, तो आपको नैरेशन को समझना तो पड़ेगा। अब नैरेशन क्या है? नैरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट। अब देखो, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये इनडायरेक्ट हुआ कि डायरेक्ट? डायरेक्ट हुआ, क्यों? मैंने बोला, आपने सुना, डायरेक्ट है। अब अगर आपने, आपके फ्रेंड ने आपसे कहा, आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि शिक्षा एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसने आपसे कहा, तो उस समय तो डायरेक्ट था। लेकिन जब मान लो रमेश ने आपसे बोला कि सब्सक्राइब कर लो, तो रमेश ने आपसे कहा डायरेक्ट, लेकिन सुरेश उसको सुन रहा था,
कि रमेश गणेश से क्या कह रहा है, सुरेश सुन रहा था, तो सुरेश कहेगा अपने चौथे फ्रेंड से कि यार रमेश ने कहा है गणेश से कि शिक्षा अकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो वो क्या बोलेगा कि उसने उसको कहा है कि वो ऐसा कर ले, ना कि उसने उसको कहा है कि मैं ऐसा कर लूं। मैं क्यों करूं, मैं तो सुनने वाला हूं, और मतलब मैं तो थर्ड पर्सन हूं ना, तो जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से जो काम करने को कह रहा है वो तो डायरेक्ट है, लेकिन जो आपने सुना वो इनडायरेक्ट है, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो सीधी बात होती है डायरेक्ट, वो डायरेक्ट स्पीच है, और जहां हम कर्ता के कहे हुए कथनों को अपने शब्दों में कहें वो इनडायरेक्ट स्पीच है। यकीन मानिएगा 5 से 7 ऐसी स्टेज हैं, अगर आपने इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच को अपना बना लिया नरेशन को, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपके मार्क्स कटने वाले हैं, क्योंकि पैसेज हो चाहे अनसीन पैसेज हो चाहे स्पॉट एरर्स हो, नरेशन बहुत आते हैं। और भैया मैं तो कहूँगा बहुत ध्यान से पढ़ना इन सब चीज़ों को, जी नहीं ध्यान से नहीं, एंजॉय करके पढ़ना यार, क्योंकि शिक्षा एकेडमी पे आप जुड़े हो और यहाँ तो बस एंजॉय करना है और उसे सीखना है। तो नरेशन इस प्रकार से मैं आपके पास रिवाइज करा दूं, अभी हमने सेलेक्ट जो किए हैं वो है 5 पॉइंट। नंबर 1 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके अंदर आपको नाउन मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, हम इनके बारे में जानेंगे। फिर है आर्टिकल, ए एन था और जीरो आर्टिकल के बारे में जानेंगे। फिर है टेंस, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों चारों के सिंपल और इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट 4th, तो ये हम जानेंगे। फिर है वॉइस, तो पैसिव वॉइस 2 प्रकार के होंगे, ऐसे जिनमें काम किसी और के द्वारा हो वो तो पैसिव वॉइस होंगे ही, एक तो जो टेंस के बनेंगे मतलब जो सिंपल के बनेंगे, और एक जो मॉडल जो वॉइस होंगे ना, तो उसमें जो मॉडल्स रहते हैं, अभी इसमें टेंस की कैटेगरी और है, जहां आपने सुना होगा कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, आपको एक मूवी याद है ना ABCD, एनीबडी कैन डांस, यस नहीं सुन पाए ABCD 2, अब तो सुन लिया ना, तो एनीबडी कैन डांस 2, तो कोई भी नाच सकता है, जो आपकी योग्यता को बताए, जो क्षमता को बताए, उसे कहेंगे मॉडल्स। जी हाँ, तो हम टेंस के इसी पार्ट को पढ़ेंगे, मॉडल्स को पढ़ेंगे। तो एक तो वॉइस होगा टेंस का और एक पैसिव वॉइस होगा मॉडल्स का। और फिर है नरेशन, जहां पर 2 बातें होंगी, एक डायरेक्ट स्पीच और एक होगी इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए फिर हो जाइए तैयार, अब हम अगले वीडियो में बढ़ेंगे, इनके आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जाएंगे, फिर टेंस आर्टिकल्स के अंदर जाएंगे। और निश्चित रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देरी बिल्कुल मत करो, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको अपने तरीके से बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर एक एक डाउट्स आपके दूर होने वाले हैं। और बताइए कमेंट में कैसा लगा, आप ये बताइए कमेंट में कि ज़्यादा अच्छा क्या लगा, राइट। तो मैं महेश तिवारी फिर से वेलकम करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ आपके अपने चैनल में, और रहिएगा तैयार और स्पेशल पढ़ने के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।